एक छोटा सा मुल्क है तुम्हारा, छोटा सा देश है, कुत्तों के आकार वाला तुम्हारा देश है, और तुम बात करते हो इंडिया वालों को, मतलब कश्मीर, इंडिया के जो कश्मीर है, कश्मीरियों को अपने पाकिस्तान में बुलाने की। हाँ बेटा, आ गया तू जवान हो के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस बंदे को तो आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि मैं इस बंदे के ऊपर पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। इसका ताल्लुक भारत से है, एक बनारसी बच्चा है, बनारस का रहने वाला है। अच्छा, रिसेंटली इस बंदे ने एक वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें वो इनाम भाई से मुखातिब है, हमारे पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर इनाम भाई, उनसे मुखातिब है। लेकिन उस वीडियो के अंदर इस बंदे ने पाकिस्तान के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बका है। मतलब अब मैं भी दोबारा हिंदी बोलने लग गया, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वापस आ चुका हूँ। तो इस बंदे ने कहा है कि इतना सा देश है, यानी इतना सा तुम लोगों का पाकिस्तान है, तुम उसके अंदर मतलब 13 करोड़ कश्मीरियों को कैसे रख सकते हो। मतलब इस बंदे का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये एक मिसाल दे रहा है। तो आपने इसकी वीडियो देखी, तो मैं भी एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर तुम्हारा है, बकौल तुम्हारे के वो तुम्हारे सिटीजन्स हैं कश्मीरी, तो तुम लोगों ने वहाँ पर इतने लाखों की फ़ौज क्यों रखी हुई है भाई। इतनी फ़ौज महाराष्ट्र में भी रखो ना, इतनी फ़ौज राजस्थान में, बंगाल में, हर अपने हर सूबे में रखा करो ना भाई। मतलब इतनी सारी फ़ौज वहाँ रखने का एक ही जवाब बनता है कि वहाँ के लोग तुम लोगों से बेजार हैं, वो तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। तो तुमने कहा कि हम लोग भिखारी हैं, हम भीख मांगते हैं। भैया आज की वीडियो में मैं ये प्रूफ करूँगा कि तुम लोग भिखारी हो। मतलब तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है तुम लोगों का, नरेंद्र मोदी साहब, वो 35 साल तक भीख मांगते रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आपके ही एक जर्नलिस्ट ने, आपके ही एक यूट्यूबर ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आपका जो वज़ीर आज़म है वो 35 साल तक भीख मांगता रहा। आप ये वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा यार, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि साहब जब 35 साल तक भीख मांगते रहे तो क्या अखा इंडिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, बाबा नरेंद्र नाथ मोदी जी महाराज से एक बार भी पूछ सके कि गुरु तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो भाई लोग, ये तो साहब का ही जलवा है कि साहब ने बचपन में चाय बेची मगर किसी ने नहीं देखा। साहब ने स्कूल में पढ़ाई की मगर कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट और कोई स्कूल फ्रेंड सामने नहीं आया। साहब ने कॉलेज में पढ़ाई की मगर कोई टीचर सामने नहीं आया जो बात कर सके कि उसने साहब को पढ़ाया है। सोचिए 1992 में साहब 42 साल की उम्र में आडवाणी के रथ पर दिखे थे, तब आडवाणी जी सांसद थे। जाहिर है तब आडवाणी जी इनसे भीख मंगवा के अपना खर्च तो चलाते नहीं रहे होंगे, मतलब ये हुआ कि साहब उससे पहले ही भीख मांगते रहे होंगे। साहब ने कहा 35 साल भीख मांगे, मतलब 42 में से 35 साल निकाल दें तो बचे 7 साल, यानी साहब 7 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर चुके थे। इस निष्कर्ष के बाद कई अहम सवाल उठते हैं। पहला ये कि साहब 7 साल की उम्र से 42 साल की उम्र तक भीख मांगते रहे तो चाय कब बेची, और दूसरा माँ बाप और बड़े भाई किस तरह के इंसान रहे होंगे जो 7 साल के बच्चे से भीख मंगवाते थे। वीडियो आपने देखा, साफ साबित हो गया कि कौन भिखारी है कौन नहीं है, यानी 7 साल का बच्चा भीख मांग रहा था मोदी। अब इसने अपनी वीडियो में एक और जगह कहा है कि इनाम भाई की अंग्रेजी ठीक नहीं है, आप जरा ये क्लिप देखिए। इनाम भाई आप बुरा ना माने तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछे, अगर आप बैंक जाते होंगे तो अंगूठा लगाते होंगे या किसी चमचे को ले जाते होंगे सिग्नेचर करने के लिए? क्योंकि आपके जो इंग्लिश है उसे देखने के बाद मुझे लग नहीं रहा है कि आप अपना नाम भी ठीक से लिख पा रहे होंगे। सही कहा ना, क्योंकि आपने जो ये लिखा ना स्क्रीन पे, ये स्पेलिंग इतनी, मतलब 2 मिनट लग गए मुझे समझने में कि ये बोल क्या रहे हैं, अमित शाह जी मांग रहे हैं और ये देने की बात कर रहे हो, ये मतलब मुझे समझने में बहुत कंफ्यूजन हुआ। नहीं मतलब आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही है कि इनाम भाई ने क्या लिखा है, इसका मतलब अंग्रेजी तो आपकी कमजोर है। इनाम भाई ने जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा। चलो अब जरा चलते हैं तुम्हारी अंग्रेजी चेक करते हैं कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि भाई आई एम बैक, मतलब मैं आ चुका हूँ। अब क्या कहा मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में कहा था? यार तुम ये कह सकते थे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, यार हिंदी उर्दू में ही बोल लेते, फिर से सुने आप। तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि भाई आई एम बैक। भाई नेक्स्ट वीडियो तो उसको कहते हैं ना जो आने वाली वीडियो हो, नेक्स्ट उसे कहते हैं। आप ये कहो कि पिछली वीडियो में कहा था मेरे भाई, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लेते हैं बंदा कि मेरी अंग्रेजी कैसी है। बेटा तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है ये भी हमारे सामने है, ठीक है? ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। बलोच भाई इज ऑल्सो बैक, मैं खुद वापस आ चुका हूँ यूट्यूब पे, और अब
दोस्तों अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा यूट्यूबर है स्पेशली इंडियन जो हमारे खिलाफ़ वीडियोस बनाता है, हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी फ़ौज के खिलाफ, तो मुझे ट्विटर पे आप उस वीडियो को डीएम करें, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर रिएक्शन दूंगा। मेरे ट्विटर का पिछला अकाउंट था, जो पहले वाला अकाउंट था, वो सस्पेंड हो चुका है, तो मैंने नया ट्विटर एक अकाउंट बनाया है, उसका नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो अभी जाइए मुझे ट्विटर पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से मुझे फॉलो कीजिएगा। यार अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरी मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को एक दफ़ा लाइक करें, और हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड करके जहाँ दिल करे वहाँ शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।